देखी मम्मी भी खट्टा बना रही है। क्या बना रही है? खट्टा बनाने के लिए आज तो कुछ अलग तरीका से ही खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि आज हम हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होगी, मस्त होगी। तो चलिए मैं ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। अभी मॉर्निंग का टाइम है और देखिए आज का वेदर बहुत ही खुशनुमा है। और देखिए रात में तो बारिश हल्का फुल्का हुआ था, तो अभी देखिए मॉर्निंग का टाइम है, बहुत अच्छा लग रहा है मौसम इस साइड। और हम लोग के लिए गाँव का तो किसान वगैरह के लिए बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि धान की मोहरी गिरेगी अब। तो फिलहाल चलिए मैं कंटिन्यू ब्लॉग पर, आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग बने रहे, मैं कर ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए रूही अभी सोकर उठी है और हम मेरा चाय वगैरह कंप्लीट हो चुका है। मैं सोच रही हूँ ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ आज, क्योंकि मेरा एक दिन गैपिंग करके मेरा ब्लॉग ही आता है। तो अगर आप लोगों को कंटिन्यू ब्लॉग चाहिए पर डे, तो आप लोग कमेंट में बताइए, मैं रोज़ ब्लॉग लाने का कोशिश पूरा करूँगी। तो वैसे तो आज मेरा आज संडे है, तो आज ब्लॉग आएगा, फिर कल मंडे, मंडे को नहीं आया, ट्यूसडे को फिर आएगा। तो इसलिए मैं एक दिन गैपिंग करके ब्लॉग बनाती हूँ। अगर आप लोगों को कंटिन्यू ब्लॉग चाहिए पर डे, तो आप लोग कमेंट में बताइए, मैं पर डे भी ब्लॉग लाऊंगी आप लोगों के लिए। तो आप लोग यहाँ तक मेरे बहुत सपोर्ट किए और आगे भी सपोर्ट कीजिए। चलिए देर ना करते सही ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। अभी देखिए मम्मी क्या करने वाली हैं। मम्मी चलिए बस कुछ काम है, तो मम्मी देखते हैं क्या कर रही है मम्मी। हम जा रहे हैं हॉल में अपना। तो चलिए गाइस कंटिन्यू ब्लॉग पर बने रहें। क्या कर रही रूही रानी, क्या बना रही है? ओ खट्टा बना रही है। चलिए गाइस मैं दिखाती हूँ आप लोग को मम्मी मेरे मम्मी किस टाइप का, मतलब क्या कर रही है नहीं कर रही है। चलिए मैं दिखाती हूँ। मम्मी कट्ठा बना रही है। तो देखिए मम्मी भी कट्ठा बना रही है। क्या बना रही है? कट्ठा कट्ठा। गुट्टी को देखिए गुट्टी। मम्मी का अच्छा तैयार कर रही है, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, तो कभी कभी मैं कहीं का खाना चाहिए। गर्मी का मौसम में तबियत खराब होने की आशंका ज़्यादा ही रहती है। तो फिलहाल डॉक्टर भी मतलब बोलते हैं कि कभी कभी घट्टा खाना ही चाहिए, मकई का घट्टा या फिर मकई का रोटी। और आज का जनरेशन में कौन खाता है घट्टा और मकई? तो वैसे गाँव का तो ये रीति रिवाज है कि अभी गर्मी का मौसम है तो सत्तू घट्टा ये तो कंपलसरी है कि हफ्ता में एक दो बार एक दो दिन खाना ही खाना है। तो फिलहाल हम लोग को देखिए अभी तो हम लोगों को रियली में घट्टा पसंद नहीं है चावल किसी का, तो भी क्या करते हैं मजबूरी में खाना पड़ता है। एक दो दिन हफ्ता में खाना ही खाना चाहिए। और मेरा वहाँ परिवार से कि इस दिन मतलब तो अब तक अभी तो ये गर्मी का मौसम चल रहा है जून जुलाई में, तो जून जुलाई तक खट्टा और ये मकई का रोटी खाने का रिवाज ही रहता है। तो हम लोग खाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और ये रहा खट्टा जो कि हम लोग का बनेगा। तो मम्मी भी अभी तो खट्टा हम लोग का खुद का मिल में, देखिए मिल भी चल रहा है, खुद का मिल में रेडी हुआ है। मम्मी इसको बना रही है थोड़ा थोड़ा, मतलब बन तो थोड़ा सा बनाएंगे तो थोड़ा थोड़ा कुछ खाना ही खाना है। मम्मी मतलब हमें ये खट्टा पटक पटक के लिए कम्प्लीट हो चुका है, ये लास्ट है इसमें रखा हुआ है बस।
बारीक और जो मैं वाला आटा उसको तो मिक्स करके अच्छा बनेगा। मिक्स करके बनाया जाता है। और देखिए बारिश की वजह से हम लोग का गली का हाल क्या हुआ है, पानी देखिए कितना गंदा लग रहा है। बट हम लोग का देखिए मेन गेट से देखिए रास्ता जाने के लिए है तो भी प्रॉब्लम हो ही जाता है। बारिश का मौसम इतने ही है, बट बारिश आ जाता है तो पूरा मतलब प्रॉब्लम होता है बारिश के, बट बारिश भी आना ज़रूरी ही है। हेलो एवरीवन, देखिए अभी इवनिंग का टाइम हो चुका है, अभी जस्ट सो क्लोथ है, देखते हैं क्या बनेगा आज इवनिंग में, डिनर में क्या बनने वाला है। चलिए मैं देखती हूँ अभी तो कुछ सोच रही हूँ, चलिए देखते हैं। और कुछ कुछ ऊपर ले गई है छत पे बनाने के लिए आज, तो कुछ अलग तरीका से ही खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि आज हम लोग मतलब कि कुछ खास बनाने वाले हैं। मतलब डिनर के तौर पर मतलब अभी तो मौसम अच्छा है, ज़्यादा गर्मी नहीं किया हुआ है, बट बोले तो बारिश हुआ था तो थोड़ा मौसम ठंडा किया हुआ है। सोच रही हूँ कुछ देखते हैं बनाने के लिए, हम तो चलते हैं आज सत्तू वाला पूड़ी बनाने के लिए। आज हम लोग का मतलब क्या है, हम लोग का सत्तू पिसाया है तो सोच रही हूँ कि सत्तू वाला पूड़ी बनाने के लिए सोच रही थी बहुत दिन से, बट मौसम गर्म जब बहुत ज़्यादा गर्मी किया हुआ था इसलिए बनाने का मन नहीं कर रहा था। तो जानते हैं कि गर्मी का मौसम मौसम खाने का मन नहीं करता है, तो फिलहाल आज मौसम ठंडा है तो हम लोग प्रोग्राम बनाए हैं कि आज सत्तू वाला लिट्टी बनाएंगे। तो चलेगा इसका अभी इवनिंग का टाइम, मैं चलती हूँ छत पर, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चलती हूँ मम्मी छत पे और सीखिएगा मैं बनाऊँ कितने नए तरीके से खाना गांव के चूल्हे पे। चलिए गाइस कंटिन्यू करें। एवरीवन अभी इवनिंग का टाइम है और हमारे यहाँ बन रहा है देखिए चूल्हा, गांव का चूल्हा है देख सकते हैं तो, और बना रही हूँ अभी कुछ अलग आंच बन रहा है। तो फिलहाल अभी मैं देखिए चूल्हा जलाई हूँ खुद से, जल ही नहीं रहा था, एक तो भीगा हुआ है और तो देखिए मैं भी कढ़ाही टीपने दिए हैं ताकि ये, और ये गांव में कढ़ाही यूज़ किया जाता है विशेष पकवान के लिए जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। और ये देखिए इसे मैं डाल रही हूँ सरसों ऑयल, तो ये हमारा सरसों ऑयल है। तो ये अब थोड़ी देर इसको गर्म होने देते हैं, उसके बाद फिर जो हम लोग का बन रहा है वो हम इसे डालेंगे। तो अभी तो फिलहाल अभी तैयार कर रही है मैं, तब तक तब तक के लिए हम गोईठा वगैरह हम दे ही रहे हैं। क्या याद कर पल है, बहुत दिन के बाद हम चूल्हा पे बन मतलब खाना बना रहे हैं, ऐसा तो हम लोग गैस पे ही बनता है। और कुछ अलग बनाना होता है तो ट्राई हम लोग मतलब ये कुछ अलग बनाना होता है तो हम लोग ये चूल्हा का ही यूज़ करते हैं कभी कभी से, कभी कभी जो मन किया तो। अभी तो गर्मी का मौसम है तो छत बनाने में काफ़ी मज़ा आता है, तो अभी इन मस्ती के साथ हम लोग ऊपर बना रहे हैं। और ये देखिए चूल्हा भी कितना खूबसूरत लग रहा है। चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मेरे यहाँ क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या बन रहा है। तो हम लोग क्या सत्तू वाला पूड़ी बन रहा है, अब ऊपर से हवा दे, ये रहा हम लोग का सत्तू वाला पूड़ी। और ये रहा सत्तू हम लोग का तैयार किया हुआ है। हो क्यों नहीं था, हो अपना हो हो
तो हम लोग का वो भी रेडी हो रेडी कर रही है और हम इधर छान रहे हैं सत्तू वाला पूरी। तो चलिए गाइस कंटिन्यू ब्लॉग बने रहे हैं, मैं आप लोगों को मैं फटाफट बना कर फिर आप लोग से मिलते हैं। तो देखिए हम लोग का फाइनली पूरी बन चुका है पहला, और ये है बैठ ले ले अपना मंका ये बैठ ले माथे को हमने ठंडा ए लड़की इधर नहीं होकरेगा। घर का तेल है प्योर तेल, हम लोग का खुद का मिल का तेल है, ये देख सकते हैं पर येलो। दे ये रहा हम लोग का, तो ये रहा हम लोग का चना का सत्तू का लिट्टी, और हम लोग का डिनर में आज यही रहेगा। तो देखिए कितना क्यूट लग रहा है, और गांव में तो ये चूल्हा का तो खासियत ही अलग है, इसका टेस्ट भी बहुत अलग रहता है। तो चलिए गाइस कंटिन्यू ब्लॉग बने रहे, हम बना के फिर आप लोग से मिलते फटाफट करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रहा, तो कंटिन्यू ब्लॉग पर बने रहे। हमारा पूरी ये डिजाइन का है और कुछ वो डिजाइन का। गोइठा भी देना जरूरी ही है। मुझसे तो बार बार भूत ही जाता है, ये जलते जलते कैसे कैसे। हम लोग का डिनर हो चुका है, आरा भी डिनर कर रहा है क्या रब। देखिए ये खा रहा है, हम लोग का डिनर हो चुका है फाइनली, हम लोग सोने अब जाएंगे, अब सोने का टाइम हो चुका है, करीब लग रहा 10:30 हो चुका है। चलिए गाइस कंटिन्यू, तो मैं ब्लॉग को एंड कर आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो चैनल को डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, बाय, टेक केयर।